दोस्तों, कैल्शियम तथा विटामिन से भरपूर अंजीर एक शक्तिवर्धक पौष्टिक फल है। देखने में गुलर की तरह लगने वाला अंजीर को लोग ताजे फल और सूखे मेवे के रूप में खाते हैं। लोग इसके सूखे फल को टुकड़े टुकड़े करके या पीसकर दूध और चीनी के साथ खाते हैं। ये एक ऐसा फल है जिससे न केवल जैम बनता है बल्कि इसे मिलाकर अनेक तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। विश्व के सबसे पुराने फलों में से एक अंजीर रसीला और गुदेदार फल होता है। देश के विभिन्न भागों अंजीर के वृक्ष उगाए जाते हैं। इसके अलावा अरब और दूसरे देशों से भी अंजीर मंगाए जाते हैं। गर्मियों में ज्यादा उगने वाले इस फल को सूखे फलों के रूप में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। शुरुआत में अंजीर के फल हरे होते हैं, लेकिन पक जाने के बाद यह लाल और आसमानी हो जाते हैं। कोष्ठबद्धता या कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाला और शारीरिक शक्ति देने वाला अंजीर जुकाम और फेफड़े के रोगों में काफी लाभकारी है। जिन लोगों को दमा हो, जिसमें कफिया बलगम निकलता हो, उसमें अंजीर खाना गुणकारी है। अंजीर को स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको अंजीर खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, कैल्शियम होने की वजह से अंजीर खाने से हड्डियों को शक्ति मिलती है। नंबर 2, मुंह के छाले होने पर अंजीर की पत्तियों को जलाकर भस्म बनाकर पीसकर मुंह में लगाने से छाले जल्द ठीक होते हैं। नंबर 3, मधुमेह रोग में अन्य फलों की तुलना में अंजीर का सेवन विशेष लाभकारी होता है। नंबर 4, अंजीर को कुछ घंटे तक पानी में डालकर रखें और रोजाना उसे चबाकर खाने से रक्त विकारों से उत्पन्न मुहासे दूर होते हैं। नंबर 5, श्वेत प्रदर या सफेद पानी में भी अंजीर एक गुणकारी फल है। श्वेत प्रदर महिलाओं में होने वाली एक यौन बीमारी है। नंबर 6, अस्थमा रोगी को प्रतिदिन 2-3 अंजीर खाने से बहुत लाभ होता है। अंजीर कफ को निष्कासित करके अस्थमा रोगी को आराम पहुंचाता है। नंबर 7, शारीरिक शक्ति का विकास करना हो तो अंजीर को दूध में उबालकर सुबह शाम सेवन करें। नंबर 8, अंजीर खाने से कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं और दिल की बीमारी का खतरा कुछ हद तक कम हो जाता है। नंबर 9, रात के समय 2-3 अंजीर खाकर ऊपर से दूध पीने से कब्ज में राहत मिलती है और सुबह जल्दी पेट साफ होता है। अंजीरों को दूध में उबालकर भी सेवन कर सकते हैं। नंबर 10, कब्ज की विकृति को दूर करने के लिए अंजीर का सेवन कीजिए। नंबर 11, रक्त विकार से उत्पन्न फोड़े फुंसियों को दूर करने के लिए अंजीर के साथ बादामों को उबालकर उसमें मिलाकर खाने से फोड़े फुंसियां दूर होते हैं। और लास्ट है नंबर 12, सूखे अंजीरों को पानी में उबालकर पीसकर लेप बनाएं। इस लेप को गले पर लगाने से अनेक रोग विकार नष्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।